इस्लामाबाद में पीटीआई के कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला। मुसल्ला अफराद ने कैदी वैन्स पर गोलियां बरसाईं, शीशे तोड़ डाले। 3 कैदी वैन्स में 82 मुलजिम मौजूद थे। कैदियों को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी। पीटीआई के एमपीए समेत भागने वाले तमाम कैदी पकड़े गए। 4 हमलावर भी गिरफ्तार, एमपीए का बेटा भी शामिल। ये जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और मैं समझता हूँ कि ये किसी फिल्म की स्टोरी लगती है कि पुलिस ने दरवाज़ा खोला और कहा भाग जाओ, दौड़ लगा दो, हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गैंगस्टर्स की तरह और जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन ज़रा सी स्लो हमला करके तो मुलजमान को जो है वो वहाँ से फरार करवा दें। ये जो स्टेट की रिट को चैलेंज करने का सिलसिला है ये बंद होगा और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा कोई भी मुलजिम जो है ऐसा मामला ना कर सके कि प्रिजन वैन को रोक के मुलजमान को फरार करने की कोशिश करे। कैदी वैन्स पर मनसूबाबंदी से हमला किया गया। गैंगस्टर्स की तरह कैदी वैन की रफ्तार आहिस्ता होने पर हमला किया गया। फिल्म की स्टोरी लग रही है कि वैन का दरवाजा खोल कर कहा कि भाग जाओ। अथा तारड़ के पीटीआई पर वार, हमलावरों और मनसूबा साजों को कटहरे मिलाकर मिसाल बनाने का दो टोक पैगाम दे दिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि संजानी टोल प्लाजा के पास कैदी वैन्स पर हमला किया गया। डेरा इस्माइल खान में एफसी चेक पोस्ट पर खारिज का हमला, एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से रात को हमला किया। जवानों ने जान निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। शहीद 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजरिस्तान जबकि 4 का ताल्लुक जिला करक से था। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मोहसिन नकवी कहते हैं शहदा की अजीम कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता, शहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। मोहसिन नकवी की बनू में SHO कोहाट में सब इंस्पेक्टर की कुर्बानी को भी सलाम। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो गए। जस्टिस फायज ईसा का फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस से खिताब, कहा मुमकिन है हमने गलत फैसले किए, हम कागज़ और कानून पर चलते हैं जिससे एक फरीक को फ़ायदा हो और दूसरे को नहीं, सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। जस्टिस फायज ने अपनी अहलिया को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुनियादी हकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। इख्तियार की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा, आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, जस्टिस फायज ईसा को खराज तहसीन पेश किया, उनकी शख्सियत और काम के अंदाज को सराहा। कहा जस्टिस फायज के एजाज में जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं, जस्टिस फायज ने इस लंच का खर्चा मुझ पर डाला है। साथ ही जजों से कहा वो भी चंदा दें। जस्टिस फायज ने इसी शर्त पर बहुत मुश्किल से जोहराना लिया। जस्टिस याहिया चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ कल उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ जलतारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम शिरकत करेंगे। 27वीं आनी तरमीम मुमकिन नहीं, ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे, इसके खिलाफ मजबूत मुजाहमत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का इरादा नहीं, सूबों की वफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमा दिया। मेहमान टीम की 24 रन पर 3 विकेटें उड़ा दी। बेंडकेट, ओलीपॉप और जैक क्रॉली पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड टीम को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए 57 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 शाबाश सऊद शकील, शाबाश, पहले कौमी टीम को मुश्किल से निकाला फिर इंग्लैंड टीम को मुश्किल में धकेला। सऊद शकील की करियर बेस्ट सेंचुरी, 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नौमान अली और साजिद खान ने भी भरपूर साथ दिया। साजिद खान ने 48 और नौमान अली ने 45 रन बनाए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर, इंडेक्स तारीख में पहली बार 90,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 90,089 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहते हैं चंद रोज़ में मईशत की बेहतरी के हवाले से मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। कराची वालों को बिजली का एक और ज़ोरदार झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए, कल शाम लंदन जाएंगे। दुबई में पाकिस्तानी सफीर और मकामी लीगी क़यादत ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ दुबई के पॉश इलाके एमिरेट्स हिल्स में क़याम करेंगे। 2 दिन लंदन में क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। 10 रोज़ अमरीका में क़याम के बाद लंदन वापस पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। अलीमा खान और उज़्मा खान की जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। डी चौक एहतजाज केस में अदालत में बचलके जमा करा दिए गए। बानी पीटीआई की बहनें 4 अक्टूबर से ज़ेरे हिरासत थीं। जमाली पुल खौफ की अलामत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की आमाजगाह। कराची सुपर हाईवे पर जमाली पुल क्रिमिनल्स के लिए हॉटस्पॉट। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 5 शहरी और पुलिस अहलकार डाकुओं की फायरिंग से जहां बहक। मुकाबलों के दौरान अब तक 8 डाकू मारे जा चुके, पुलिस का दावा। ईस्ट जोन पुलिस की जानब से जमाली के अतराफ मुस्तकिल पिकेट्स कायम कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें, हुकूमत आला सतह का वफ्द अमरीका भेजेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने बताया कि अमरीका को कैदियों के तबादले के मुआहदे की तजवीज़ दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताबुन के फरोग और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर ने हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ की। पोलियो केसेस की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफा। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 41 हो गई। इसराइल के लेबनान में दहशतगर्दी, 3 सहाफी शहीद कर दिए। हमले से पहले ना इनखला के अहकामात ना वार्निंग दी गई। इसराइल का बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का हुक्म। हिजबुल्ला से झड़प में 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का शुमाली गजा में बड़ा हमला। इसराइली टैंकों की कमाल अदवान अस्पताल पर गोलाबारी। अस्पताल अमले से राबता मुनक़ता हो गया। जवालिया का मुहासरा करके 79 फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 10 रिहायशी इमारतें तबाह, 150 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनस में एक ही खानदान के 14 बच्चों समेत 38 अफराद शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइली फौज गजा से निकल जाए। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए शर्त लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक मुजाकरात के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। जमीन और फजा से दहशतगर्दों पर यलगार, गोलियों की तड़तड़ाहट, फलक शगाफ नारे। पाकिस्तान और रूस की अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी मशक 2 रोज़ बाद 7 खत्म हो गई। दोनों अफवाज के जवानों ने एक दूसरे की तकनीक और तरीकाकार से सीखा। मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। लाहौर में आलूदगी का शिकंजा बरकरार, फजा धुंधली हो गई। स्मॉग की भी एंट्री, लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शरा 194 रिकॉर्ड, सूरत की तपेश, शहर में गर्मी का राज बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रिकॉर्ड, बारिश का कोई इम्कान नहीं। रावी शहर में इंसदाद स्मॉग नाइट ऑपरेशन में 2 फैक्ट्रियां सील। ऑपरेशन में कवायद की खिलाफ वर्जी पर JP स्टील, अली हजवेरी इंडस्ट्री सील। हुकाम के मुताबिक वजीर आला मरियम नवाज के विजन पर लाहौर को आलूदगी फ्री शहर बनाएंगे। स्मॉग का बायस कारखानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी।
बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने की कोशिश, नॉर्वे ने मुख्तलिफ ऐप्स के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद मुकर्रर कर दी। 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। नए कवानीन टेक्नोलॉजी कंपनियों को कम उम्र बच्चों का ज़ाती डेटा जमा करने से भी रोकेंगे। इतलाक नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों पर भी होगा। शायर साहिर लुधियानवी के नगमों का सहर आज भी बरकरार। मारूफ शायर साहिर लुधियानवी को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए।